हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 2:28 और अभी मम्मी बनाने जा रही है गोलगप्पे और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसे बना रही है। सो लेट्स गो गाइस, अभी चलते हैं मम्मी के पास। ये दोनों अपनी मस्ती कर रहे हैं और अब हम चलते हैं मम्मी के पास। मैं आप किस चीज़ के वो बना रही हूँ गोलगप्पे? सूजी के। और ये आपने सूजी लिया? तो अब इसके बाद क्या करेंगे? और ये सूजी में लेके इसमें हम थोड़ा सा गूंदेंगे। क्या गूंदेंगे? घी। घी ले लो, रिफाइंड घी ले चाहिए। घी या फिर रिफाइंड? ठीक है, इसको ऐसे खूब मिक्स कर लेंगे। ये क्या है? ये है थोड़ा खाने का सोडा है, इसमें थोड़ा सा हम खाने का सोडा गिरेंगे। अब हम इसको ऐसे खून मिलाएंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी दे रहा हूँ और पानी घेर के इसको भून लेंगे। तो मम्मी कैसा गूंदना, पतला या फिर कुछ? मम्मी कैसा गूंदना, पतला या फिर मोटा? पतला ना होगा, थोड़ा सा मीडियम साइज़। मीडियम साइज़। और सूजी थोड़ा ज़्यादा ही खाने लगती है। हाँ, तो आज आपका मन कैसे कर रहा गोलगप्पे बनाने का? सो गाइस, ये सूजी का आटा गूंद गया है, अब इसको ढक के रख देता है। कितनी देर तक? अभी ढक के 5 मिनट तक इसे ढक के रख दो। यार आवाज ढक दिया। तो इसको 5 मिनट हो गया। अब बनाएंगे चटनी। अब बनाएंगे मम्मी चटनी के लिए। वो ले जाओ, जा निकाल लो, कुछ मैं ही निकाल। सो गाइस, अभी हम बनाएंगे खट्टा पानी और देखते हैं खट्टा पानी मम्मी कैसे बनाती है। सो लेट्स गो। मेरा जार और मिक्सी उतारनी है। सो गाइस, ये मिक्सी उतार ली और ये और मम्मी ने इस जार में डाल दिया धनिया, देख लो। सो इसके बाद फिर अब हम मम्मी अब क्या डालना है? अब इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते। अब इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। अब इसमें हम डालेंगे ये पुदीने के पत्ते। ये रहे पुदीने के पत्ते जो अब इसमें जाएंगे। और इसमें डालेंगे हम 4 हरी मिर्च। पुदीने के पत्ते, 4 हरी मिर्च, बस। इसमें थोड़ा सा पानी देके इसको चलाएंगे। थोड़ा सा पानी देके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। देख लो बस। कहाँ चढ़ रहे हो? गाइज़, ये देख लो, ये अभी पिस चुका है और अभी ये जाएगा
ये अभी हम इसके अंदर डालने वाले हैं। मम्मी इसके अंदर और क्या क्या डालना है? काला नमक, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हम इसमें डालेंगे काले, इसमें पानी, काली मिर्च। तो इसके अंदर जाएगी अब काली मिर्च। और और काली मिर्च, काला नमक और ठंडा पानी दे क्या? ठंडा पानी, पानी दे क्या? बोतल लेके आओ। ठंडा पानी आइएगा नींबू, फिर लो इसमें डाल देते हैं। किसमें डालूं? अब इसके अंदर डालेंगे हम ठंडा पानी। अब डाल लिया और सादा नमक और चाट मसाला, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर और अब इसको स्वाद अनुसार लाल मिर्च, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार, सही बताया मैंने। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सब पानी पूरी का मसाला नहीं है तब इसके अंदर हम डालेंगे नींबू। इसके अंदर और हम ठंडा पानी डालेंगे, इसके अंदर डाल दो। बूंदी भी तो डालते हैं, जब हम इसमें डाल दिए बूंदी। मिक्स कर लेंगे इसको, आपकी चॉइस आपके, आप कर, आपको इसको छानना हो तो छान लो, वरना हो तो मत छानो, वो भी मत छानो। जब इसको मिक्स कर रहे छान रहे, हाँ मतलब छान रहे हैं। गाइस ये अब हमारा छन गया है, देख लो हम। सो गाइस हमारा बन चुका है ये खट्टा पानी, सब देख सकते हो। अब इसके अंदर हम आइस क्यूब डालेंगे इसको ठंडा करने के लिए। और अभी इतने हम तैयारी करते हैं मीठा पानी की। सो गाइस ये रही आइसक्रीम, सारी डाल दी। मम्मी आटे को नरम कर रही है।
और ये इमली मम्मी ने सुबह गर्म पानी में भिगोई थी, देखा सही है सब बढ़िया एक नंबर। क्या इसको मैस करो, अब इसको मैस करते हैं। तो गाइस देखो मम्मी कितने नरम कर रही है इसको आटे को, कितनी मेहनत लगती है। फिर ये कब तक और करना है? वैसा भी नरम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर रखना है, थोड़ी देर फिर उसके बाद रखना भी है 15 मिनट। तो गाइस जितने मम्मी ये कर रही है, चलो मैं अपनी इमली दिखाती हूँ। मीठा पानी में मीठा पानी बनाते ही मैंने इमली साइड कर दी है, और ये पानी अब इसको चला। अब इसका क्या करोगे? अभी इसको इसमें घेर के गैस को ऑन करेंगे। अच्छा गुड, थोड़ा सा मुझे भी दे दो गुड़, चीनी कुछ भी गिर मीठा पानी मुझे भी मिल गया। और ये अगली रेसिपी क्या चाहिए गाइस कमेंट में बताना। इसको चलाएंगे इससे भी गुड़ नहीं अब इसको मिक्स ही करते रहना। तो गाइस इसमें थोड़ा सा हींग डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हींग डाल के। गुड़ तो मेल्ट ही नहीं हुआ, सलाद हो गया। ठीक मिक्स कर चुके हम, ये रहा देखो। सो अब बस इसको बनाएंगे। गाइस मम्मी आलू मसाला तैयार कर करिए गोलगप्पे में डालने के लिए, देख लो क्या 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 है इसमें। आलू
प्याज हरा धनिया हल्का सा नमक डाल दो, नमक डाल दो, लाल मिर्च भी डाल दो और इसको मिला दो, मिलाओ। हमारा ये हो गया है, इसमें खट्टा पानी, मीठा पानी, इसमें नमक डाले, जीरा डाला और लाल मिर्च डालिए और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और कुछ कम डाल, और अब इसमें बूंदी भी डालेंगे। गाइस मम्मी ने चढ़ा दिए कढ़ाई और अब इसमें मम्मी ने डाल दिया रिफाइंड और अब मम्मी बनाएगी गोलगप्पे। और ये हमारे सूजी आफ्टर 15 मिनट्स बाद गैस ऑन कर दिए। बस ये बड़ी पलटी है, जब पूरा फूल जाएगा ना, जब फूटेंगे इसको। सॉरी वो तो सभी करते हैं। गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं, आइए आप भी खा लीजिए और बताइए कैसे लग रहे हैं। तो आरव चल खा।